रुक करते हैं प्रदेश की ओर। देश के दूसरे नगर निगम धर्मशाला का चौथा बजट पेश किया जाएगा। बजट में निगम ने आय बढ़ाने पर फोकस रखा है। वहीं सरकार की अधिसूचना के तहत मर्ज एरिया में अगले साल से टैक्स की तैयारी शुरू हो चुकी है। निगम ने चौथे बजट में नई स्कीमें शुरू करने का निर्णय लिया है। वहीं स्वच्छता पर जोर देने की व्यवस्था बजट में की गई है। देश के दूसरी नगर निगम धर्मशाला का चौथा बजट पेश किया जाएगा। बजट में निगम ने आय बढ़ाने पर फोकस रखा है। वहीं सरकार की अधिसूचना के तहत मर्ज एरिया में अगले साल से टैक्स की तैयारी भी हो चुकी है। निगम ने चौथे बजट में नई स्कीमें शुरू करने का निर्णय लिया है। वहीं स्वच्छता पर जोर देने की व्यवस्था बजट में की गई है। निगम ने आय बढ़ाने के लिए भी बजट में अहम फैसले लिए हैं। वहीं प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर निगम गंभीरता से काम करेगी। नगर निगम में मर्ज एरिया के संबंध में प्रदेश सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के तहत अगले साल से प्रॉपर्टी टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। गौरतलब है कि नगर निगम के गठन को 4 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मर्ज एरिया में किसी भी तरह के टैक्स की कोई वसूली नहीं की गई है। नगर निगम धर्मशाला के मेयर देवेंद्र जग्गी ने कहा कि नगर निगम का चौथा बजट पेश किया जाएगा। बजट में शहरवासियों के लिए नई स्कीमें लेकर आ रहे हैं। बजट में सैनिटेशन पर पूरा फोकस किया जाएगा। आय बढ़ाने के लिए कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे तथा प्रॉपर्टी टैक्स पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। कल कॉरपोरेशन अपना चौथा बजट पेश कर रही है और उसमें शहर के लोगों के लिए काफी ज्यादा इस बार हमने स्कीम्स नई स्कीम्स लेके आए हैं और ज्यादा फोकस हम लोग सैनिटेशन पे करने जा रहे हैं। जो नया वर्ष जो है, आने वाला जो वर्ष है, उस पर हम सैनिटेशन पे बहुत ज्यादा काम करेंगे। बाकी जो बजट है वो कल हम पेश करेंगे, उसी में सारी चीज़ें। कल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और जो प्रॉपर्टी है, टैक्स हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। जो जहाँ पे हमारे रेंट्स हैं, जिनको शॉप्स दी थी, उनकी रिकवरी है, वो ज़्यादा करेंगे। तो इसमें हमने बजट में सारा क्लियर किया हुआ। सरकार की जो नोटिफिकेशन है, उसके हिसाब से अगले वर्ष जो है, उसमें मर्ज एरिया में भी टैक्स लगेगा।